सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू मजेदार वाले वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ओबी 44 अपडेट में होने वाले कुछ चेंजेस के बारे में कि क्या क्या चेंजेस होने वाले आफ्टर ओबी 44 अपडेट के बाद। तो आज है 16 तारीख और कल 17 तारीख के दिन हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ओबी 44 अपडेट आने वाला है। एंड यार, इस बार का अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है क्योंकि इस अपडेट में हमारे इंडिया सर्वर के अंदर काफी ज्यादा चेंजेस होने वाले हैं और चेंजेस के साथ साथ गाइस बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स भी मिलने वाले हैं, जो कि गन स्किन से बंडल से व्हीकल से एमोट्स और भी बहुत कुछ। सो गाइस, आप लोग इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना क्योंकि आज का ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, जिससे आप लोगों को बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। एंड गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्लिक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलो यार, आज का ये वाला वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको आज हमारे गेम के अंदर आने वाला टुनाइट अपडेट के बारे में बताता हूँ। तो कल हमारे इंडियन सर्वर के अंदर 17 तारीख के दिन ओबी 44 अपडेट के बाद सबसे पहला तो मैजिक स्टोर में कुछ न्यू बंडल्स आएंगे। हाँ गाइस, कल 17 तारीख के दिन हमारे मैजिक स्टोर में कुछ न्यू बंडल्स ऐड होंगे, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल के होंगे। वैसे तो फ्री फायर वालों ने न्यूज वाला सेक्शन में बता दिया था कि कौन कौन सा बंडल आने वाला है, लेकिन न्यूज वाला सेक्शन में सिर्फ बंडल्स का नाम बताया था, ना कि बंडल्स दिखाया। तो आज मैं आप लोगों को बंडल्स के नेम के साथ साथ बंडल्स भी दिखा रहा हूँ, जो कि ये रहे। एंड गाइस, ये बंडल्स आप लोगों को ओबी 44 अपडेट के बाद मैजिक स्टोर में देखने को मिलेगा। और अभी जो आप लोगों को स्क्रीन पे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, सेम टू सेम वही बंडल्स कल हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले हैं। एंड गाइस, ये सभी बंडल्स उतने कुछ खास नहीं है क्योंकि ये जो बंडल्स आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सभी डायमंड रॉयल बंडल्स है। और फिर भी आप लोग इन बंडल्स में से कौन कौन से बंडल्स लेने वाले और आपके आईडी में कितने मैजिक क्यूब्स है, मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताएं। और अभी गाइस, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाले एक रिंग इवेंट के बारे में। तो गाइस, अभी आप लोग स्क्रीन पे जो रिंग इवेंट देख पा रहे हो, यही हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला अपकमिंग रिंग इवेंट है। यहाँ पे आप लोगों को काफी कमाल कमाल बंडल्स देखने को मिल रहा है। और गाइस, इस रिंग इवेंट का सबसे पहला स्कॉर्चिंग सील बंडल है, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा कमाल का है। एंड गाइस, इस इवेंट में आपको गोल्ड शेड बंडल, नेवी शेड बंडल देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है। गाइस, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ये वाला इवेंट हमारे इंडिया सर्वर में आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, यानी ये इवेंट कल 17 तारीख या फिर 2-3 दिन के बाद भी आ सकता है। तो गाइस, आप लोग थोड़ा सा इंतजार करो क्योंकि बहुत ही जल्द ये वाला इवेंट हमारे इंडिया सर्वर के अंदर आने वाला है। तो अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं कल हमारे ओबी 44 अपडेट में होने वाले कुछ स्पेशल चेंजेस के बारे में, यानी कल अपडेट में कैरेक्टर एबिलिटीज और साथ ही साथ वेपन एबिलिटीज चेंजेस होने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग ये वाला पोस्टर देखो, ये पोस्टर के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया सर्वर के अंदर वेपन अपडेट आने वाला है, जिसमें आप लोगों को वेक्टर और एम्पीफाई का गन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और चार्ज बूस्टर बीजोन एंड ड्रैगन गन का इंप्रूवमेंट डिक्रीज कर दिया जाएगा। और साथ ही अगगन के अंदर एक न्यू मैग्नीशियम ऐड कर दिया जाएगा, यानी जैसे जैसे आप लोग अगगन चलाओगे गन अपग्रेड होता जाएगा। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि इस अपडेट के बाद गेम में प्लाज्मा गन रिटर्न आने वाला है, जिससे ओल्ड प्लेयर्स बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टर एडजस्टमेंट्स, गाइस कैरेक्टर एडजस्टमेंट्स के अंदर आप लोगों को टोटल 7 कैरेक्टर्स एबिलिटीज का एडजस्टमेंट्स देखने को मिलता है, जिसमें से 6 कैरेक्टर्स के एबिलिटीज इंप्रूव कर दिया गया है, जो कि रायडन, सैंटिनो, कैरोलिन, निकिता, जोसेफ एंड कपिला। और साथ ही कैरेक्टर का एबिलिटी डिक्रीज कर दिया गया है, जो कि टच्चुआ कैरेक्टर है। तो अभी ना गाइस, हमारे इंडिया सर्वर में अपडेट के बाद आने वाले फ्री रिवॉर्ड्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये वाला पोस्टर देखो, तो गाइस हमारे इस अपडेट में एक मैकड्रेक कैलेंडर इवेंट आने वाला है, एंड इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया सर्वर के अंदर ओबी 44 अपडेट के बाद मेकाड्रेक इवेंट स्टार्ट होने वाला है, जिस मेकाड्रेक इवेंट के अंदर बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वैसे कुछ रिवॉर्ड्स तो गाइस आप लोगों को पोस्टर पे दिखाई दे रहे हैं, बट गाइस अभी इस इवेंट में बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो गाइस फिलहाल के लिए अभी हम वीडियो में आगे बढ़ते और बात करते हैं वीकली मेंबरशिप चेंजेस के बारे में। तो अभी जो हमारे इंडिया सर्वर के अंदर मेंबरशिप दिखाई दे रहा है, वो जल्दी इंडिया सर्वर से रिमूव होने वाला है। और गाइस यहाँ पे आप लोग वीकली और मंथली मेंबरशिप दोनों ही एक ही साथ परचेज करते हो तो आप लोगों को एक सुपर मेंबरशिप देखने को मिलता है, लेकिन इस अपडेट के बाद वह सुपर वीआईपी मेंबरशिप को गेम में से रिमूव कर दिया जाएगा। और ये जो स्पेशल ऑफर स्टोर देखने को मिल रहा है, वह अभी इस अपडेट के बाद इंडिया सर्वर से डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, यानी अपडेट के बाद से इसे भी इंडिया सर्वर से हटा दिया जाएगा। बाकी हम लोग न्यू आइटम्स के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम रहेगा मिनी वीकली मेंबरशिप या फिर वीकली मेंबरशिप लाइट भी आप लोग इसे बोल सकते हो। और गाइस मैं आपको बता दूं कि ये वाला मिनी वीकली मेंबरशिप पहले वाला मेंबरशिप से बहुत ज्यादा सस्ता रहेगा और डायमंड्स रिवॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा कम देखने को मिलेगा। एंड गाइस, इस अपडेट के बाद मेंबरशिप के अंदर एक और न्यू चेंजेस कर दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा बढ़िया है। और वह चेंज ये है कि जब भी कोई मेंबरशिप लेने के बाद आइटम और डायमंड क्लेम करना भूल जाता है, तो गाइस आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर उन आइटम्स को फिर से क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उन आइटम्स को क्लेम करने के लिए कुछ गोल्ड कॉइन्स को यूज करना पड़ता है, जो कि पर्सनली मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। सो ऑलराइट गाइस, मैंने आप लोगों को ओबी 44 अपडेट के बाद होने वाले चेंजेस के बारे में डिटेल से बता दिया हो। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ा बहुत जानकारी पता चला हो। और अगर आप लोगों को ये वाला इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को क्लिक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसे एक न्यू मजेदार वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।